हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से आज एक नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप भी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और दोस्तों आपका जो राशन कार्ड की जो स्लिप होती है यानी कि पर्ची होती है वो नहीं निकल पा रही है, चाहे दोस्तों आप इस FCS पोर्टल से निकालते हों या फिर दोस्तों चाहे आप NFSA के पोर्टल से निकालते हों, अगर आपकी राशन कार्ड की पर्ची नहीं निकल रही है तो आज की वीडियो में आपको पूरा सोल्यूशन बताने वाला हूँ, आप किस प्रकार से अपनी जो राशन कार्ड की पर्ची है उसको आसानी से निकाल पाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको राशन कार्ड की जो पर्ची है उसको निकालने के लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन में जो प्ले स्टोर होता है उसको ओपन करना होगा। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएगा प्ले स्टोर का। प्ले स्टोर आपको सर्च वाले बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है मेरा राशन ऐप। जैसे आप मेरा राशन ऐप ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से जो ऐप है इसका इंटरफेस ओपन हो कर आएगा। इसे सबसे पहले आपको यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है एंड आफ्टर ऑल आपको क्या करना है ओपन वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ऊपर वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो पोर्ट्रेट मोड में जो फ़ोन है इस तरीके से आ जाएगा। इसके बाद आपके सामने इसके मेन मेन्यू ओपन होकर आ जाएंगे, जैसे कि पंजीकरण है, लाभ की जानकारी है, आसपास की दुकानें हैं, राशन कार्ड की लाभार्थी पात्रता, आधार सीडिंग। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जो आधार सीडिंग का ऑप्शन दिया है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे हम आधार सीडिंग पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे, एक आपका राशन कार्ड नंबर से आप राशन कार्ड की पर्ची निकाल सकते हैं, दूसरा आप आधार कार्ड संख्या से आप राशन कार्ड की पर्ची निकाल सकते हैं। अगर आपको अपना राशन कार्ड नंबर नहीं पता है तो आप फैमिली में किसी का भी आधार कार्ड संख्या डालकर अपने राशन कार्ड की पर्ची को निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर अपने आधार कार्ड संख्या को फिल कर देते हैं। हमने दोस्तों यहाँ पर अपना जो आधार कार्ड संख्या है उसको यहाँ पर फिल कर दिया है। आधार कार्ड संख्या फिल करने के बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक सबमिट का बटन दिया है, इस सबमिट वाले बटन पर हमें क्लिक कर देना है। तो जैसे हम यहाँ पर सबमिट वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारे सामने जो इंटरफेस है ओपन होकर आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर अपनी डिटेल को चेकआउट करना है, जैसे कि अपना राज्य, अपना ज़िला, उसके बाद दोस्तों योजना का प्रकार जिसके तहत हमारा जो राशन कार्ड है बना हुआ है, इसके बाद हमारा जो राशन कार्ड नंबर है वो यहाँ पर दिया गया है, दुकान संख्या जिससे हम अपना राशन कार्ड उठाते हैं वो दुकान संख्या यहाँ पर दी गई है, ONORSC यानी कि दोस्तों जो आपका ONORSC एक स्कीम है इसके तहत आपका जो राशन कार्ड स्थिति स्टेटस है यस है या फिर नो है वो यहाँ पर दी गई है। अब आपको क्या करना है, नीचे दिया गया है सदस्य का नाम, तो वन बाई वन जितने भी आपके राशन कार्ड में यहाँ पर सदस्य हैं वो सारे यहाँ पर दिए गए हैं और उनके आधार कार्ड की जो सीडिंग की स्थिति है वो यहाँ पर आसानी से दी गई है। तो इस तरीके से दोस्तों आपके आधार कार्ड की सीडिंग की स्थिति और सदस्य के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं इसकी पर्ची को प्रिंट कैसे कराना है। अगर दोस्तों आप इसे मोबाइल फ़ोन में देख रहे हैं तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में कुछ इस तरीके से आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, जैसे कि हमने यहाँ पर स्क्रीनशॉट को लिया है। अब स्क्रीनशॉट को आपको क्या करना है, किसी पास के नज़दीकी CSC जो कि दोस्तों CSC सेंटर संचालक होती हैं उनके पास आपको जाना है, जिनके पास दोस्तों प्रिंटर मशीन होगी उनके पास आपको इस पर जो आपका यहाँ पर स्क्रीनशॉट लिया था उसे स्क्रीनशॉट को सेंड कर देना है। स्क्रीनशॉट को सेंड करने के बाद दोस्तों आपको उनसे कहना है कि हमारी जो पर्ची की स्लिप है उसको यहाँ से क्रॉप करके इस तरीके से इतना क्रॉप करके आपको निकलवा लेना है। और दोस्तों जो भी आपकी राशन कार्ड की दुकान है यानी कोटेदार है उसके पास आपको स्लिप को लेकर जाना है और वहाँ से अपना जो भी राशन है वो ले लेना है। तो इस प्रकार से आपको अपना राशन कार्ड नंबर भी मिल जाएगा आधार कार्ड के थ्रू और आपकी राशन कार्ड की पर्ची भी आसानी से निकल जाएगी। अगर ये ऐप दोस्तों आपके मोबाइल फ़ोन में किसी प्रकार से वर्किंग नहीं कर रहा है तो आपको दोबारा से अनइंस्टॉल करके दोबारा से इसे अपडेट करके इंस्टॉल करना है, तभी यहाँ पर वर्क करने लगेगा। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम आती है ऐप वर्किंग में, तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ अनइंस्टॉल करके दोबारा से आपको इंस्टॉल कर लेना है। आई होप दोस्तों आप समझ गए आप किस प्रकार से अपने राशन कार्ड की पर्ची को निकाल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे दोस्तों आपको राशन कार्ड से संबंधित और भी जानकारी और इससे रिलेटेड दोस्तों ऑनलाइन टेक्निकल जानकारी आपको मिलती रहे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू सो मच।